आप सबको आज मैंने इसलिए बुलाया कि ये दोनों जो भाई मरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे बैठ के पब्लिक के लिए कुछ करने की कोशिश करें। यहाँ पे तो ये असूल बन गए हैं कि जीतने के बाद भी पार्लियामेंट में इकट्ठे नहीं बैठते हैं जी, इकट्ठे बैठते ही नहीं। ओ भाई उस पब्लिक का की कसूर है जिन्हें तुहानू वोट दिता है जी? हक बात है बड़े, हक बात की है आप। हाँ तो फिर क्या फायदा है छुरियां निकालने का? और ना खाली छुरियों की बात ना कर मेरा शहजादा, और तू तो डायरेक्ट पिस्तौल निकालता है, पिस्तौल का बता ना बड़ियों को। ओए बस कर बाठे, बस कर आराम से। और मेरे निके की पिस्तौलें तुझे बड़ी याद है, और अपनी आंसू गैस भूल गया? ओए आंसू गैस तो वो तो इट बज गई मेरे पैर पे। ओ मेरी गल सुनो, इन गल्ला ना छोड़ो, लड़ाई झगड़े दी गल ना करो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दो लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और अगर वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दें तो पब्लिक पता क्या कहती है? क्या कहते हैं बाजी? पब्लिक कहती है देखें दो जोकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हक बात, हक बात। अब्बा जी अभी मैं जिंदा हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे भाई उम्मीद की हवा को भी देखे। तरी देख लो तरी, यानी तो आधे सामने तरियां ला रहे ने, तो कमर पीछे क्या हाल करते होंगे? बस कर बाट, बस कर बह भी जा। कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट। बात दरअसल ये अब्बा जी कि मैंने बाट को कभी भी मुखालफ नहीं समझा, मैंने बाट को हमेशा भरा ही समझा है। और पूरा जंजाल पूरा इस बात से वाकफ है कि आपके पुत्र ने जो भी इलेक्शन का नतीजा हुआ है खुले दिल से कबूल किया। क्यों बाट किया कि नहीं किया? देखो जी साफ इलेक्शन होगा अगर तो बाट बादड़ को फौरन कबूल होगा बड़े हो। आए बाट, बात दरअसल ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि अब्बा जी का आर्डर मेरे लिए लोहे का गाडर। अब्बा जी का आर्डर तेरे लिए लोहे का गाडर है, मारे लिए अब्बा जी का आर्डर गॉडफादर। हाँ जी बिल्कुल सही कहा है। तो तुम्हारे गॉडफादर का ये आर्डर है कि 5 साल हो गए हैं हमें आपस में लड़ते हुए, तो अब सुलह सफाई से बैठो, नेक तमन्नाओं का तबादला करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सही बरकत डालेगा। पाक बात है। और इसके बाद भी फिर आड़ा ही लगाना है तो मिल बैठ के ये सारी बातें करने का फायदा? और देखो जी, हालांकि उम्मीद मेरा पुत्र है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो भी जीते ना, जो भी जीते वो लोगों के लिए कारामत हो। आपके पुत्र को अल्लाह साईं ने बहुत बड़ा दिल दिया है, आपको तो पता है। मैं तो हमेशा ही जीतता हूँ लेकिन फिर भी मैं बट बहादुर को मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। देखो ना आपा जी, ओए बट जीते या मैं जीतूं एक ही बात है, है जी? एक ही बात है जी, चाहे मैं जीतूं चाहे ये आड़े, हमको तो कबूल है, जो आपने ऑर्डर लगाना है हमको कबूल है। तो परवीन शाकिर, और जो मशवरे की बात है ना भाई जान, आपसे